और देखिए न्यूज स्टेट की यह महा कवरेज, महा एग्जिट पोल के एक एक आंकड़े आप तक सटीक हम पहुंचाने वाले हैं। लगातार ये कवरेज हमारी जारी है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का जो महापर्व है वो समाप्त हो चुका है। 24 के रण की अगर हम संग्राम की बात करें तो संग्राम समाप्त हो गया है, सिर्फ और सिर्फ अब इंतजार है परिणामों का और दौर भविष्यवाणियों का है। और देश की सत्ता की चाबी ईवीएम में कैद हो चुकी है, 2 महीने से ज्यादा लंबे समय तक ये चला और 7 चरणों की लंबी प्रक्रिया के बाद अब सभी को इंतजार नतीजों का है। और नतीजों से पहले हम न्यूज स्टेट पर बता रहे हैं दर्शकों को सबसे बड़ा एग्जिट पोल, और एग्जिट पोल हमारा एग्जिट पोल भी साबित होगा। 48 घंटों का वक्त बचा है यानी कि 2 दिन का, क्योंकि परिणाम 4 जून को जारी होगा। लेकिन परिणाम से पहले बारी एग्जिट पोल की आती है तो इंतजार किस बात का, आपके सबसे विश्वसनीय चैनल न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास है एग्जिट पोल के सबसे एग्जिट पोल जो बताएगा कि आखिर कौन पास और कौन फेल। जी हाँ, एग्जैक्ट पोल से पहले एग्जिट पोल, और ये बहुत जरूरी होता है। और इन सब के बीच देखिए बड़ी खबर भी लगातार बता रहे, क्योंकि आज 7वें चरण की वोटिंग हो रही है और उसमें कितना प्रतिशत मतदान हुआ है उसको भी बताना बहुत जरूरी है। 7वें चरण के लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है, सभी 7 चरणों का मतदान पूरा हो चुका और 7वें चरण में 58.34% मतदान हुआ है। 57 सीटों पर आज शाम 5 बजे तक जब वोटिंग हुई थी तो ये मतदान प्रतिशत दर्ज हुआ, यानी कि अभी आखिरी के 1 घंटे का मतदान प्रतिशत इसमें नहीं जुड़ा, लेकिन अभी 5 बजे तक के आंकड़े जो आए हैं उसमें 58.34% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं बंगाल में 69.89% मतदान दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 7वें चरण में 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत आ गया और 57 सीटों पर शाम 5 बजे तक 58.34% मतदान दर्ज किया गया। बिहार में 48.86% मतदान दर्ज किया गया है। झारखंड में 67.95% मतदान दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में 54%, पंजाब में 55.20%, बंगाल में 69.89% मतदान, ओडिशा में 62.46% मतदान, हिमाचल प्रदेश में 66.56% मतदान, चंडीगढ़ में 62.80% मतदान। तो वही न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल, हर सीट का सबसे सटीक आकलन, हर सीट का बताएंगे आपको सियासी गणित किस सीट पर कौन सा मुद्दा हावी रहा, कहां कौन जीत रहा है, कहां कौन हार रहा है। और इसके अलावा हर एक सीट का विश्लेषण भी करेंगे, कौन कौन से मुद्दे हावी रहे, जनता ने किस प्रत्याशी को चुना। तो न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल बस कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है, ठीक है। और देखिए हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल मौजूद है और मैं एक बार फिर से सीधा के शर्मा सर आपके पास आ रहा हूं। और ब्रेक से पहले जो सवाल पूछा उसी का जवाब देता हूं जल्दी से कि संविधान बदलने का नैरेटिव 400 पार के नारे